मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में जनपद न्यायाधीश के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी से जनपद स्तर की न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही समस्याओं के व्यवहारिक समाधान स्पष्ट हुई होगी। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों पर तेजी से प्रगति होनी चाहिए। मैं एक अच्छे बदलाव का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियली ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारी सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से हमें रहते हैं, मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ साथ नहीं देते। कभी कभी मेरा ध्यान कारावास कट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर भी चला जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, इस विषय पर आकलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल अपराधी भी अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं, उनके चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करना, उन्हें जीवन यापन हेतु लाभकारी कौशल प्रदान करना एवं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।